दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब पुराने गाने हम सबके बीच में बजते थे तो दोस्तों हमारा दिल खुश हो जाता था। और दोस्तों वहीं पे आज के सॉन्ग कुछ ऐसे हैं जिनको सुन के हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। पर दोस्तों फाइनली आज हम बात करेंगे बागीचे फिल्म के न्यू सॉन्ग के बारे में। और दोस्तों हम आपको बताएंगे सॉन्ग के अंदर क्या है खास और क्या है बकवास। तो दोस्तों अगर आप टाइगर श्रॉफ के एक बहुत बड़े फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। वेल फ्रेंड अगर हम बात करें बागीत्री फिल्म की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म हमारे भारत की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के साथ में रितेश देशमुख काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जब से ट्रेलर लॉन्च करा गया है तब से ही इस फिल्म का बज काफी हाई लेवल का बन चुका है। इसी के साथ में सोने पर सुहागा यह है कि इस फिल्म के अंदर कूट कूट के एक्शन भरा गया है। एक्शन के साथ साथ में जो वीएफएक्स है क्या कहने इस फिल्म के। और दोस्तों साथ ही साथ में अब इस फिल्म के अंदर हम सबको देखने के लिए मिल रहे हैं शानदार शानदार गाने। वहीं भी दोस्तों इसके अंदर हमको आइटम सॉन्ग भी देखने के लिए मिलेगा। पर दोस्तों जो पहला सॉन्ग आया है उसकी हम बात करते हैं। जी हां दोस्तों इस फिल्म का पहला सॉन्ग आ चुका है जिसको गाया है पप्पी लहरी ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो सॉन्ग है बंकस। बंकस का मतलब कि एक आंख मारू तो लड़की पड़ जाए जो कि आपको इससे पहले पुरानी फिल्म के अंदर सुनने के लिए मिल चुका होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो पुरानी फिल्म आई थी हम सबके बीच में 1984 में। और दोस्तों उस फिल्म का नाम था तोहफा जिसके अंदर हमको काम करते हुए नजर आए थे जितेंद्र जयाप्रदा और दोस्तों साथ ही साथ में श्रीदेवी। दोस्तों ये तीनों के तीनों एक्टर काफी शानदार थे। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर उनकी फिल्म ने काफी शानदार कारोबार करा था जहां पर उनकी फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों तोहफा फिल्म ने कमाए थे 9 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों उस टाइम पे वह फिल्म रही थी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह सॉन्ग काफ़ी शानदार है। इस सॉन्ग के अंदर पहले होती है श्रद्धा कपूर की एंट्री जहां पर वो गाना स्टार्ट कर देती है। पर दोस्तों मुझको एक बात समझ में नहीं आती कि पूरी फिल्म के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे जो रितेश देशमुख सर है उनको बताया गया है पगलेट और दोस्तों वहीं पर उनको पुलिस ऑफिसर भी बताया जाता है। यानी कि दोस्तों फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसको देखना हमको बहुत जरूरी है। मतलब मुझको समझ भी नहीं आया कि बंदे को मतलब गेल सप्पा बताया जाता है उसके बाद में भी वो बंदा पुलिस ऑफिसर की ड्रेस के अंदर नजर आ रहा है। वहीं पे दोस्तों उसकी शादी भी हो रही है। यानी कि दोस्तों कुछ ना कुछ तो काफी इंटरेस्ट से भरा हुआ ट्विस्ट है। वैसे दोस्तों आपको इस फिल्म के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं और आप इस फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सॉन्ग को नहीं सुना है तो आप जाके सुन के आइए। सॉन्ग काफी शानदार है और जानदार है और मुझको लगता है कि काफी जल्दी यह सॉन्ग 100 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर लेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार बागीत्री फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद।